वेलकम टू अफरोज ब्लॉग। और हम इस बार आ गए हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी के नज़दीक स्थित कमला नेहरू पार्क में। और आप यहां पे से पूरी मुंबई का नज़ारा कर सकते हैं। ऐसे देखिए कितना खूबसूरत मुंबई यहां से दिखता है। ये पूरा गिरगांव चौपाटी है, मरीन लाइन, वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, यहाँ से पूरा दृश्य आपको नज़र आएगा। और ये कुछ अपना कमला नेहरू पार्क का दृश्य, देखिए कितने लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। और ये इको पॉइंट, और ये इको पॉइंट है जहाँ पे ताली बजाएंगे ना तो गूंजेगा पूरा। और ये चाचा भड़क गए। और ये इको पॉइंट था, यहाँ पे घड़ी भी लगा हुआ है जो चालू है, तो ये बात तो अच्छा है। और यहाँ की आप हरियाली देखिए, बहुत बड़ा है, तकरीबन 4 एकड़ में है। और कुछ इस तरीके का ये देखिए। और इस साइड समंदर है, और बाकी ये पूरा बगीचा है घूमने के लिए, बहुत बड़ा है। तो आइए देखते हैं कितना है ये और इसके अंदर क्या क्या है। एक चीज़ तो देखने को मिला, वहाँ पर इको पॉइंट था जो आवाज़ गूंज रहा था, लेकिन वहाँ पे चाचा भड़क गए, उसका नींद ख़राब कर दिए। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया गया है जिसमें मछली रखे हैं। मछली तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, कृत्रिम तालाब है ये। यहाँ पे मछली पालन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे। यहाँ की हरियाली गजब है। इको पॉइंट देखने के बाद जा रहे जूता घर देखने के लिए, जो ये बच्चों के लिए है। जूता के अंदर घर बना हुआ है शायद, हाँ जूता के अंदर घर है। चलो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। कुछ ऐसा है इधर का लोकेशन, बहुत लोग घूम रहे हैं यार यहाँ पर। ये देखिए कितने लोग टहल रहे हैं। और ये रहा अपना जूता घर, जमीन मत कर भूरी रहे। और फाइनली पहुँच गए हम जूता घर के पास, जहाँ पे वयस्क व्यक्ति का तो प्रतिबंध लगा हुआ है, बच्चे जा सकते हैं। ये देखिए सब फोटो खिंचवा सकते हैं बस यहाँ पर, कुछ इस तरीके से है। ये रहा अपना चारों साइड का लोकेशन, घूमने का बहुत अच्छा जगह है ये। और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से समंदर का नज़ारा आप कर सकते हैं। और ये तो बच्चे लोगों के लिए है। चलते हैं देखते हैं ये वाले पॉइंट पे क्या है, यहाँ से क्या नज़र आता है। और आप इस पॉइंट पे आने के बाद आपको कुछ गिरगांव चौपाटी का ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। ये देखिए अभी सनसेट होगा तो और अच्छा लगेगा, फिलहाल ये मुंबई का नज़ारा है। और इसमें 12 साल तक के बच्चे ही जा सकते हैं। ये पहले जूना था, तो इसमें कुछ दिन पहले इस पर आसमानी बिजली गिर गई, तो फिर इसको तोड़ के फिर से इसको नया निर्माण किया गया है। अब इसमें अलाउड नहीं है, 12 साल के बच्चे तक ही इसमें जा सकते हैं। देखिए ऊपर बच्चे लोग घूम रहे। और ये है दूसरा पॉइंट, गार्डन तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से पूरा मुंबई दिख सकते हैं आप। ये भी इको पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम यहाँ का कुछ समझ में आया नहीं। यहाँ पे अधीन है, वहाँ पे चीज़ें बोलते हैं। और ये पॉइंट पे तो आदमी थोड़ा कम है, देखते हैं इधर क्या देखने को मिलता है। इधर तो कुछ है नहीं बाबा, चलो इधर से घूम के वहाँ से चलते हैं, क्या है ये आखिर। अभी हम ये थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, इस ऊपर देखते क्या है। ये हमारा लिफ्ट आ गया, अब चलते हैं अंदर।
सिम सिम हो जा ओपन, हो गया भाई। ये कुछ इस टाइप का अपना लिफ्ट रहा। डोर क्लोज और आप बाहर छूट गए। खोलना का जाएंगे ना। अच्छा मेरा बटन डाले ही नहीं तेरे। निकल कैसा दिख रहा? तब कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा अंधेरा दिखो। क्या बात कर रहा है रे? देखो उजाला उजाला। इसको घुमाना है टर्निंग की में। इसको घुमा घुमा के देखो क्लियर है वहाँ जाने के लिए आए। तेरा बाहर से बस से जा सकते हैं और टैक्सी से। अभी है 2-3 किलोमीटर वो। हाँ लग रहा है लेकिन है नहीं है। और ये गैलरी हाउस से सब दूरबीन, यहाँ पे 4 दूरबीन लगा हुआ है और यहाँ से सब अपना अपना दूरबीन से देख रहे समंदर को। जहाँ तक आँख से ओझल हो जाता है वहाँ से दूरबीन काम करता है। 4 दूरबीन है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आके घूमिए, आनंद लीजिए और जाइए। और ये अपना मुंबई, कुछ इस टाइप का है ये गैलरी हाउस। यहाँ से एंट्री पॉइंट है, लिफ्ट से आते सीढ़ी से जाते हैं। नहीं लोकेशन देखने दो। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अनदर